नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादी से पहले भूल कर भी औरत की कौन सी एक चीज नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, यदि आप शादी से पहले स्त्री की इस एक चीज को लेते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से नरक बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार शादी से पहले औरत की ये चीज किसी भी मर्द को नहीं लेनी चाहिए। पुराणों में इसे घोर पाप के बराबर माना जाता है। शादी का लड्डू एक ऐसा लड्डू है जिसे हर हाल में लोगों को खाना ही पड़ता है। शादी हर हाल में प्रत्येक मनुष्य को करनी ही पड़ती है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने बताया है कि विवाह से पहले औरत की एक चीज किसी भी मनुष्य को नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उसे सदियों तक नरक में पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। शादी से पहले लड़कियों की एक चीज के बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। तो आइए जानते हैं, शादी से पहले ऐसी वो क्या चीज है जो कि मर्द को कभी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि शादी से पहले किसी भी कुंवारी लड़की के साथ मर्द को संभोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। वहीं धर्म शास्त्रों में संभोग करने के कुछ नियम बताए गए हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा नियम विवाह है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष केवल विवाह के उपरांत ही संभोग कर सकते हैं, उसके पहले कभी नहीं, क्योंकि बिना विवाह के संभोग करना पाप कहा जाता है। वहीं ऐसा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं कहा गया है बल्कि दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में कहा गया है। वहीं बाइबिल में लिखा है कि अच्छा है कि कोई अविवाहित रहे या विधुर रहे, पर यदि कोई अपनी काम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो विवाह कर ले। यदि कोई अनैतिक संबंध बनाकर ईश्वर के नियमों को तोड़ता है तो निश्चित ही ईश्वर उसे सजा अवश्य देता है। वहीं और ग्रंथों में भी लिखा है कि खुदा ने यौन क्रियाओं के लिए पति पत्नी बनाए हैं जिससे वह नैतिक और अनैतिक संबंधों में फर्क कर सके। वहीं इस्लाम में निकाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने को हराम कहा गया है। वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो कई मामलों में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना नुकसानदायक हो सकता है। शादी से पूर्व संबंध बनाने से कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आपके रिश्तों को एक दर्दनाक मोड़ पर ले जा सकती हैं। अगर कल को आपका यह रिश्ता टूट गया तो भावनाओं के आहत होने के अलावा आपकी मर्यादा, समाज में लोग आपके ऊपर थूकेंगे। इसीलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और कई पुण्यों को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो बस यहीं तक था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।